पाकिस्तान में मौरूसी सियासत पर यकीन रखा जाता है। अपने ही ख़ानदान के बेटे, बेटियां, दामाद और ससुर वगैरह को नुमाइंदगी दे दी जाती है। इमरान खान फिर से शरीफ ख़ानदान को हीरो बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ अदाकार साजिद हसन की सियासतदानों पर तनकीद। निजी टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को वजीर साइंस बना दिया गया, अल्लाह हमें मुआफ़ करे। फिरदौस आशिकावान के मुआविन खुसूसी बनने पर खुदकुशी करने को दिल चाहता है। एक आदमी को काहे को मौका इतना ज्यादा देने का दे है? पार्लियामेंट यार, पार्लियामेंट ना, अब पार्लियामेंट में आपने बिठाए हुए यस मैन, सही कहता था जब चीख रहा था ये। आपकी पार्टी में एक आदमी जब बोलता है, जरदारी साहब बोलते थे तो सारे सब जरदारी साहब सही कह रहे थे, सही कह रहे थे। नवाज शरीफ सही कह रहे हैं, नवाज शरीफ सही कह रहे हैं, अब इमरान खान सही कह रहे हैं, इमरान खान सही। ये तो आपकी कौम है, एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बात ही नहीं करता है पार्टी में या क्या हुआ? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप मुझे टिकट दे रहे हैं, आप कौन होते मुझे टिकट देने वाले? तो हम बहुत पीछे हैं अभी, चोरों को फिर हम मोर बनाने के चक्कर में, और खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हीरो बन जाए दोबारा, और बना देंगे, क्योंकि बना देंगे, बना दिया है मेरे ख्याल से, लोग फिर ले आएंगे इनको। ये खान साहब की गलती होगी और कर रहा है गलती बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। आप सोचिए ना, फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, और फिरदौस आशिकावान इन्फॉर्मेशन की मार, हम मुझे तो खुदकुशी 10 दफा कर लेनी चाहिए, मगर हराम है, इसलिए करते नहीं है।